फोर लूप के बाद हम बात कर रहे हैं फोर इच लूप के बारे में, और फोर इच लूप का हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूं। अब क्या होता है कि हमारे एक्सेल में कोई भी अगर नाम या कुछ इस तरह का आपने कुछ लिख रखा है, उसको केस चेंज करने के लिए जनरली हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, अपर लोअर मिडल इस तरह के, ठीक है। जैसे डेटा है केस जी में लिखा हुआ, मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। बात समझ रहे हैं सर? तो अगर आप ये चीज अपर केस वर्ड में करते हैं, इसको सिलेक्ट किया और वर्ड ओपन करता हूं मैं, वर्ड में पेस्ट कर दिया हमने, और वर्ड में हम जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे हमें केस चेंज करने का ऑप्शन होता है। इसमें नहीं होता, आई थिंक यहाँ ही होता है, अपर केस, और इकट्ठा सब में चेंज हो जाता है। बट एक्सेल में ऐसी चीजें नहीं है। एक्सेल में क्या करना होता है, हमें एक्सेल में करना होता है कि हम जहां भी करना चाहे वहां पे अपर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, हम भी इस तरह की सिलेक्ट करके कर सके। हाँ सर, इसके लिए हमें डेवलपर टैब में जाके अपने लिए मैक्रो क्रिएट करना पड़ेगा। तो कौन सा फाइल है, बुक टू है। तो सबसे पहले हम यहाँ बुक टू पे नेविगेट होते हैं और यहाँ एक नया मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, सब्जेक्ट, और हम यू केस के नाम से बनाते हैं। यू केस नहीं, यहाँ पे सी केस कर देता हूँ, चेंज केस। यू केस नाम कॉलर भी फंक्शन है सर। अब प्रॉब्लम है कि इसको कैसे करें, क्योंकि इसमें हम लूप तो नहीं लगा सकते ना सर, क्योंकि जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे वो उतने एरिया में परफॉर्म करेगा। बात समझ, जी हाँ एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया में वर्क करना है इसको। तो यहां पे हम करते हैं डिम आर एज ए रेंज, एक रेंज टाइप डेटा डिक्लेयर करता हूं, और यहां लिखते हैं कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। ये आपका फोर इच लूप हो गया। फोर इच लूप ने क्या किया कि जो भी सिलेक्टेड एरिया है उस सिलेक्टेड एरिया को वन बाय वन आर पे सेट करेगा। और यहां सिंपल हम लिख सकते हैं कि आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू। ओके अब मैं इसको जस्ट यहां डेवलपर टैब में आता हूं और मैक्रोज को रन कर देता हूं। अब यू केस क्या है, यू केस एक वीवीए का फंक्शन है। जैसे एक्सेल में अपर है, ऐसे यहां पे यू केस है। यू केस का काम है वैल्यू को, किसी भी करेक्टर को अपर में, और एल केस जो है, अगर इसी में हम यू के जगह पे एल कर दें तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस एंड लोअर केस। जी समझिए कि फोर इच क्या है। देखिए क्या किया कि हमने यहां पे डिम आर एज अ रेंज लिया, रेंज डिफाइन कर लिया, और हमने बोला कि फोर इच आर मतलब कि रेंज, हर एक रेंज किसकी, सिलेक्शन की। तो ए क्या करेगा, वन बाय वन इस तरह से चलेगा, दिख रहा है सर। पहले क्या करेगा कि ए वन को आर आर पे करेगा, फिर बी वन को, फिर सी वन को, फिर ए टू को, फिर वी टू को, फिर सी टू को, इस तरह से वन बाय वन। तो जितने सेल उतना बार आपका लूप चलेगा। ओके कि नहीं, जी जी सर तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जनरली आप जैसे वर्ड हाँ
प्लॉट लगाना है या फॉर्मेटिंग ही करना है, तो जो एरिया सिलेक्ट करते हो आपका उसी एरिया में फॉर्मेट होता है ना जी। उसी तरीके से आपकी जो सिलेक्शन होगी उतने उसी सिलेक्शन एरिया में, उसी एरिया में ये आपका वर्क करेगा। ओके सर, फॉर ईच का जो काम है वो सिलेक्टेड एरिया पे काम करता है, ये बोलना चाह रहे हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, एरिया नहीं कहेंगे इसको, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके जितने भी सीट्स है, जैसे मैंने सीट्स दे दिया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सीट्स है सब सबके नाम जो है डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री इस तरह से हो जाए, और मैं यहाँ पे लूप फोर आई वन टू सीट डॉट काउंट नहीं करना चाहता हूँ, सीट डॉट काउंट नहीं करना चाहता हूँ सर जी, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में यहां सब्जेक्ट चेंज नेम के हम लिया और यहां पे हम लगाते हैं डिम डब्ल्यू एज ए वर्क सीट। ठीक है, फिर यहां पर लिखते हैं कि फोर एच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्कशीट्स नेक्स्ट डब्ल्यू। अब यहां डब्ल्यू एक सीट बन गया तो डब्ल्यू डॉट नेम टू डेटा, एक नाम के एक एक नाम के एक सीट तो नहीं हो सकते ना, एक नाम के दो सीट तो नहीं हो सकते ना सर? नहीं, यहां पे करते हैं डिम सी एज ए इंटीजर और सी इक्वल टू सी प्लस वन और इसके साथ हम सी को कंबाइन कर देते हैं। करिए हो गया सर? तो अच्छा, मतलब ये जितने भी सीट का नाम था सीट से सिंपल उसको ये रिप्लेस करके फोर ईच का काम होता है, जो फोर ईच का काम होता है कि सिलेक्टेड जितने भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, उतना जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना वो वर्क करता है, चाहे वो सिलेक्शन एक रेंज हो या फिर वो एक वर्कबुक हो या शीट्स हो या एरे हो। ओके, समझे जी, फोर ईच का काम उसी चीज के लिए होता है। क्लियर है? हाँ, ये वाला तो क्लियर है। फोर ईच का एक और एग्जांपल हम देते हैं। बेसिकली मेरे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ द नेम है और यहां पे एक नेम कई बार रिपीटेड है, मैं चाहता हूं यहां पे यूनिक रिजल्ट मिले। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं ना सर? हाँ सर। तो मुझे इसी चीज को VVA के थ्रू करना है, लेकिन मैं रिमूव डुप्लीकेट वाले फीचर को ट्रिगर नहीं करना चाहता। ओके, गेट यू के नाम से गेट यूनिक इवन सबसे पहले तो मैं यहां पे लेता हूं कि dim dt या कोई भी नाम दे दीजिए एज ए न्यू कलेक्शन। अब न्यू कलेक्शन भी एक तरह का ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, इसको एरे के कैटेगरी में रखा गया है, समझे? क्या है तो इसकी ये भी अपने अंदर डेटा ले रखता है, सेम का सेम टाइप का डेटा, जैसे रेंज है तो जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर, टेक्स्ट तो टेक्स्ट, सेम टाइप का डेटा अपने स्टोर रखता है, पर इसकी खासियत है डुप्लीकेट को स्टोर नहीं करता, एक डेटा को एक ही बार स्टोर करता है। अगर स्टोर हो गया है तो दोबारा पूजा स्टोर करेंगे तो एरर देगा। तो यहां I इक्वल टू चले वन टू, हमने यहां दे दिया रेंज
ये 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस रो। नेक्स्ट ठीक है ओके सर। और यहां पे हम करते हैं डी टी डॉट एड, एड करना है वो हमने बोला रेंज के साथ हमने आई को लिया डॉट वैल्यू। अब की इसका टाइप क्या है तो इसके लिए हमने यहाँ पे एस सी एस टी आर। एस टी आर क्या है? एसटीआर से स्ट्रिंग होता है, सी से चेंज होता है। हमने बताया था आपको कि एक ही तरह का डेटा टाइप होना चाहिए तो इसको बताना कन्वर्ट बताना होता है, समझे? CSTR क्या करता है सर? स्ट्रिंग में चेंज करता है। ओके तो लगाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा इसका। अब इसमें एरर आएगा क्योंकि एक बार पूजा ऐड हो गया, दोबारा जैसे ही पूजा ऐड होगा ये आपको एरर देगा। ये एरर सर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन, इसको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए क्या करेंगे? ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ओके इससे क्या हुआ कि जो नाम डबल टाइम होगा उस कोड को रन नहीं करेगा, स्किप कर देगा। ठीक है ठीक है सर। नेम है वो कहां स्टोर हुआ है? DT के ऊपर। अब मुझे DT में से निकालना है, बट यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता इसके अंदर कितने नेम है। सर जैसे कि DT पे जो रेंज है A का वो स्टोर हो गया है, एक ही और... स्टोर हो गई है। इसने क्या किया? इसने क्या किया कि इस सारे नाम को DT पे स्टोर करता गया, नाम पहले से था एरर दिया तो उसको स्किप करके अगला नाम पे चला गया। बात समझे? DT जो है कलेक्शन कई सारे वैल्यूज को रखता है, ऐसा ये आपका इंटीजर और रेंज की तरह नहीं है कि अगर आपने C इक्वल टू 1 कर दिया फिर C इक्वल टू 5 करेंगे तो 1 रिप्लेस हो जाएगा 5। न्यू कलेक्शन C को भी रखेगा, 1 को भी रखेगा और 5 को भी रखेगा। ओके फिर सर CSTR क्या कर रहा है? उसको मतलब स्ट्रिंग में चेंज कर रहा है। जी हाँ वो बेसिकली क्या होता है कि आपका ये जो की देना पड़ता है, मतलब कि कलेक्शन बोलता है कि आप जो डेटा दे रहे हो उसका टाइप क्या है। अच्छा तो टाइप में नंबर हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, रिटर्न टाइम भी हो सकता है, वो चीजें हो सकती है ना। जी एक तरह का डेटा टाइप चाहिए तो हमने यहाँ पे बोला है भाई सबको चेंज करो स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग है। ओके समझ गया? जी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ। अब सारे डेटा DT पे स्टोर हो गया है, हो गया ना सर? अब इस एक्सेल पे लाने के लिए हमें फोर इच लगाना पड़ेगा, फोर इच आइटम, क्योंकि हमें बताया कि एरे है, एरे को आइटम से करते हैं जो नेम। ठीक है यहां पर दिया डिनोट, हाँ डिनोट करते हैं फॉर इच आइटम इन DT, मतलब कि लूप चलाना है जितने आइटम DT में अवेलेबल है। ठीक है सर। अब मुझे D पे चाहिए तो मैं यहां पे रेंज D1 डॉट D1 डॉट D पे ऐसा कर रहा है ना, अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम। आ गया आपको? आइटम तो एक ऐसी वो है, वेरिएबल है ना सर? नहीं आइटम, हाँ वेरिएबल है बट रिजर्व है,
एरर के लिए रिजर्व होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको आइटम से इसके फोर इंच का एग्जांपल बताया है, अब अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे दिक्कत होगा आप मुझे बताइएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसको देखता हूँ।